नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक। प्लैंक हम कैसे करते हैं घर बैठे। जो लोग जिम में जाते हैं इसको करने के लिए, उसे आप घर पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। सिर्फ एक मिनट करिए, देखिए इसके इतने सारे फायदे। आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, आपको मैं डिटेल जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम जो प्लैंक होता है, जो उसकी एक्सरसाइज होती है, जिसे हम दंड आसन भी से हम कहते हैं योग में, तो हमें कैसे करना है जिससे हमारी बाजुओं में ताकत आए, हमारे अपर बॉडी लोअर बॉडी में हमारी मजबूत हो जाए और हमारे पूरे सिस्टम को वो स्वस्थ और बलशाली बनाए। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करती हूँ प्लैंक कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब भी हम वज आसन में बैठे हैं। ये योगा मैट है। आप भी अपने घर पर या बाहर, सबसे पहले तो आपको शुद्ध वातावरण भी करना चाहिए। खुली जगह पर आप कर सकते हैं, कहीं आप जाकर झील के किनारे, कहीं पर्वत पर एकांत होकर, या घर में आप कर रहे हैं तो आप अपने खिड़कियों को खोल दें ताकि शुद्ध वायु आ सके। उसके बाद आप एक्सरसाइज को करें योगा मैट बिछा कर। तो अभी योगा मैट पे हम बैठ गए हैं इस प्रकार से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना कैसे होता, आप सोच रहे होंगे, बैठ तो हम गए हैं लेकिन हमें दंड, जैसे होता है कि एक लकड़ी का बोटा होता है ना, आप देखे होंगे कि बिल्कुल सीधी होती है, हमें अपने बॉडी को उसी शेप में लाना हो और 30 डिग्री तक आपको पूरे बॉडी को उठाना होगा। पूरे बाजुओं में आपकी प्रेशर आएगा, आपके बाजुओं पे प्रेशर आएगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लेट गए हैं। पहले तो आपको सीधा लेटना होगा ऐसे, और आपका जो हैंड है इस प्रकार से आप अपने हैंड को रखेंगे और बॉडी, आप देख सकते हैं हमारे जो लेग है वो आपस में मिले होंगे। हमें अचानक से नहीं उठना चाहिए। आप अचानक से आप उठेंगे तो आपकी कोई नस खिंच सकती है, आपको पेन हो सकता है। इसलिए आप आराम से पहले आप वार्म अप करने के बाद ही प्लैंक को करें। ऐसे सारा प्रेशर कहाँ आएगा, आपके बाजुओं पे, आपके दोनों हैंड पे प्रेशर आएगा। और उठाना कैसे है, इस प्रकार से हम हैं। इतना ध्यान रखिए कि आपको ना ऊपर देखना है ना सामने देखना है, जस्ट आप पृथ्वी तत्व को देखें। तो इतना, क्योंकि पृथ्वी तत्व में एक गुरुत्वाकर्षण होता है। जब आप जमीन पर लेटते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो पृथ्वी तत्व से आपको ऊर्जा मिलती है जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। इसलिए कहा जाता है हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। योग में बोला जाता है कि हम जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। आपके बाजुओं में, पूरे बॉडी पे प्रेशर जाता है इसका, आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी पे प्रेशर जाता है और पूरी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी मजबूत होती है क्योंकि हम पूरी बॉडी को उठाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमें कितना उठाना है, सिर्फ इतना, और हमें पृथ्वी तत्व को देखना है। फिर रिलैक्स। आपको मैं कंटिन्यू करके दिखा रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं इसको।
ना सांस को लेना है ना सांस को छोड़ना, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे हम डंट पुशअप भी कहते हैं कि डंट के समान अपने बॉडी को डंट के समान हम बनाते हैं, उसके बाद हमें इन एक्सरसाइज को करते हैं। आप होल्ड भी कर सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे हमें उठाना कितना है, आप 30 डिग्री तक उठा सकते हैं, 60 डिग्री तक उठा सकते हैं, लेकिन आप 30 डिग्री उठाएंगे तो आपके बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। आप स्लो भी करके कर सकते हैं और होल्ड भी आप करके कर सकते हैं। रिलैक्स। चलिए अब मैं स्लो मोशन में आपको बता रही हूँ। वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स। एक बार मैं और आपको फाइनल बता रही हूँ। हमारे लिख के पंजे इस प्रकार से होने चाहिए, ऐसे आपस में मिले हुए। बॉडी का हमारा शेप देख सकते हैं इस प्रकार से, और दोनों हैंड हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। ना ही हमें इनहेल एक्सहेल पे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ नॉर्मल रहना, जैसे आपकी सांस आती है और जाती है। और 30 डिग्री तक आप पूरे बॉडी को उठाएं इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितना आप बॉडी को थोड़ा सा उठाएंगे, ज्यादा उठाएंगे तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा उठाएं। और उसके बाद इसे करें और इसका आप चमत्कार देखिए। आपको मैंने बताया कि ये हमारा फ्लैंक जो डंड पुशअप है कैसे करते हैं। आप जितना हो सके अपने बॉडी को बराबर उठाइए, जितना आप बराबर उठाएंगे उतना ही आपकी बॉडियों पे प्रेशर जाएगा, हमारी बाजुओं में ताकत आएगी, हमारी थाई मजबूत होगी, हमारी नी मजबूत होगी, हमारे जो लेग के पंजे हैं उस पर भी इको प्रेशर जाता है। जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो इको प्रेशर जाता है, जिससे हमारी नाड़ियों पे प्रेशर पड़ता है, जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ उन पे प्रेशर जाता है और वो नाड़ियाँ मजबूत होती हैं। जब उन नाड़ियाँ मजबूत होती है तो हमारा बॉडी स्वस्थ होता है और हम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ होते हैं। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूँगी ताकि आप मेरे वीडियो को देखें और हमारे साथ साथ आप करें और इसका आप लाभ उठाएं।